स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्थ एंड फैक्ट में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ खजूर खाने से मिलते हैं इतने फ़ायदे। खजूर पोटेशियम मैग्नीशियम और आयरन का अच्छा स्रोत है। एक खजूर में 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें चीनी भी काफ़ी मात्रा में होती है। आइए जानते हैं फ़ायदे। खजूर सिर्फ मिठाइयों या स्वीट डिशेस में ही इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इसे डाइट में भी शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक खजूर में 8 ग्राम 23 कैलोरीज 0.2 ग्राम प्रोटीन 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0 ग्राम फैट होता है। खजूर पोटेशियम मैग्नीशियम और आयरन का अच्छा स्रोत है। एक खजूर में 206 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें चीनी भी काफ़ी मात्रा में होती है। इसके अलावा खजूर का स्वाद इतना मीठा होता है क्योंकि उनमें फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है जो ग्लूकोज को दोगुना मीठा होता है। एक औसत खजूर में सिर्फ 0.5 ग्राम फाइबर होता है। जैसे जैसे फल पकते हैं चीनी की मात्रा बढ़ती जाती है और फाइबर कम होने हो जाता है। खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 23 से 55 के बीच में हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना मीठा होने के बाद भी इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कैंसर से बचाव। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कैंसर की रोकथाम से जुड़े हैं। इस कारण से आपको खाना खाने के बाद स्वीट डिश में आइसक्रीम या मिठाई खाने की जगह एक खजूर खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल। खजूर पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है जो हृदय प्रणाली के लिए एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने पर पोटेशियम काफ़ी कारगर होता है। खजूर में सोडियम भी बहुत कम होता है। कुछ फाइबर प्रदान करता है। दिल की बीमारियों से बचाव के लिए खजूर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हड्डियां मजबूत करता है। खजूर में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम की कमी रिस्क को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। मेनोपोज की प्रॉब्लम को ठीक करने में असरदार। खजूर में आइसोफोलेवोन्स की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस कारण मेनोपोज के लक्षणों जैसे पेट दर्द हाथ पैरों में सूजन से राहत दिलाने में खजूर बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर लेवल कंट्रोल करता है। शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए आप चीनी छोड़ना चाहते हैं या फिर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो आप डाइट में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर एक पोर्टेबल स्नैक भी है जिसे आप मिठाई या स्नैक्स की क्रेविंग को शांत करने के लिए खा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि डायबिटीज़ के मरीजों को 2 से 3 से ज़्यादा खजूर नहीं खाने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।